हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 18, अ हाउस लाइक दिस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में, विषय में, और साथ ही साथ ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है एक बच्चे के स्कूल की एक्टिविटीज के साथ, एक कैंप के साथ। चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। इन माई नेम इज नसीम, मेरा नाम नसीम है। आई लिव इन श्रीनगर, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। सिंस यस्टरडे देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन आवर स्कूल, कल से जो है हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। इट विल गो ऑन फॉर अ वीक, ये जो है एक सप्ताह तक चलेंगी। डू यू नो वाई देयर इज अ कैंप बीइंग हेल्ड इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में जो है एक कैंप आयोजित होने वाला है। चिल्ड्रंस हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर दिस कैंप, इस कैंप में जो है विभिन्न स्कूलों के बच्चे आने वाले हैं। टेंट्स हैव बीन पुट अप इन ग्राउंड्स ऑफ एवरीवन टू स्टे, प्रत्येक के रुकने के लिए जो है हमारे स्कूल के ग्राउंड पर टेंट लगाए गए हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो भिन्न भिन्न स्कूलों से बच्चे आएंगे उन बच्चों को रहने के लिए जो है यहाँ पर टेंट की व्यवस्था की गई है। और उसके साथ ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा सारे गेम खेलेंगे बच्चे। आप देखते हैं आगे क्या होता है। वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटिफुली, हमने जो है अपने स्कूल को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया है। सम चिल्ड्रंस हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लोथ टू मेक स्टीमर फॉर द डोर्स, कुछ बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर स्टीमर बनाए हैं डोर को सजाने के लिए। सम हैव मेड पोस्टर यूजिंग आलमंड सेल्स, व्हाइल अदर्स हैव मेड रंगोली यूजिंग ड्राई लीव्स एंड सोडस्ट, कुछ बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर जो है पोस्टर बना रखे हैं स्कूल को डेकोरेट करने के लिए। और साथ ही साथ कुछ बच्चों ने कुछ सुंदर सी रंगोलियां बनाई हैं, सूखे हुए पत्तों से रंगोली बनाई है। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ आवर कैंप, हमारे जो कैंप था उसका पहला दिन था। वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश थे। इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड्स इन अ सर्कल, आज हम जो है सुबह सबके सब एक साथ ग्राउंड पर बैठे। ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ एंड स्पोक अबाउट द वेयर वी कम फ्रॉम एंड वेयर वी लाइक टू ईट, सभी ने एक दूसरे से इंट्रोड्यूस किया, सबने एक दूसरे से बातचीत की और बताया कि वो क्या कहाँ से आए हैं और क्या पसंद करते हैं खाने में। चिल्ड्रन ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर हाउसेस, बच्चे अपने घरों की और अपनी फैमिली के पिक्चर भी साथ में लाए थे। एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स, भूपेन ग्रुप वाज द फर्स्ट टू टॉक, अब इनमें से सबसे पहले बारी थी भूपेन के ग्रुप की। भूपेन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड सेड आई हैव कम फ्रॉम मोनाल विलेज इन आसाम, हम जो हैं कहाँ से आए हुए हैं, मोनाल विलेज आसाम से। इट रेन्स हेवली इन आवर प्लेस, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। हिंस आवर हाउसेस आर मेड अलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड, इसलिए जो है हमारे घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बो पिलर्स, जो घर हैं हमारे वो स्ट्रॉन्ग बैम्बो पिलर के बने होते हैं, क्योंकि बच्चों आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश से का पानी घर के अंदर ना घुसे, इसलिए जो है वहाँ पर घर जो होते हैं जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई आर हाउसेस मेड ऑन बैम्बो पिलर्स व्हेयर भूपेन लिव्स, तो जहाँ भूपेन रहता है वहाँ पर बैम्बो पिलर्स का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बारिश होने के साथ वहाँ पर जब बारिश होती है तो ज़मीन पर पानी इकट्ठा हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो इन सब चीज़ से बचने के लिए जो है वहाँ पर बैम्बो पिलर का प्रयोग किया जाता है ताकि बारिश का पानी जो है घर के अंदर ना घुसे, इसलिए वहाँ पर 10 से 12 फीट ऊपर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर जो घर होते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट काइंड्स ऑफ रूफ्स डू दीज हाउसेस हैव, वहाँ के घरों की छत कैसी होती है। दीज हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ सो दैट क्योंकि वहाँ पर जो है स्लोपिंग रूफ होती है, क्योंकि जो बारिश का पानी है वो एकदम से स्लाइड हो जाए और पानी कलेक्ट ना हो पाए, इसलिए वहाँ पर जो है स्लोपिंग रूफ बनाई जाती है। नेक्स्ट है हाउ डज वन एंटर दिस हाउस, तो इन घरों पर एंटर करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर लेटर देख रहे हैं ना सीढ़ी, तो सीढ़ी एक छोटी सी सीढ़ी होती है जिससे जो है ये घर के अंदर जाते हैं
और रात के वक्त जो है इस सीढ़ी को हटा दिया जाता है, फोल्ड करके रख दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एट नाइट द लेटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द हाउस। अब रात के टाइम पर जो है यहाँ इन घरों में जो लेटर होती है, सीढ़ी होती है, उसको हटा दिया जाता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि रात को जो है जंगली जानवरों से बचने के लिए इस लेटर को हटा दिया जाता है। जब हम इस लेटर को हटा देंगे तो जंगली जानवर एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बारी थी आपकी चमेली। चमेली की बारी है। चमेली अपने बारे में बताती है, आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया। हम मनाली से हैं जो एक हिली एरिया है, पर्वतीय एरिया है। एट आवर प्लेस इट रेन्स हेवली एंड स्नो एज वेल। हमारे यहाँ भी जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है और साथ ही साथ बर्फ़ भी गिरती है। मनाली एक हिल स्टेशन है बच्चों। ठीक है, वेन इट इज़ वेरी कूल वी लाइक्स टू सिट इन द सन। जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम ऐसा महसूस करते हैं मानो हम सूर्य के नीचे ही बैठे हैं, यानी कि धूप में ही बैठे हैं। आवर हाउस आर मेड ऑफ स्टोन एंड वुड। हमारे घर जो होते हैं स्टोन, पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। प्यारे बच्चों, जो घर स्टोन और वुड के बने होते हैं उन घरों के अंदर जो होता है गर्मी रहती है, ठंडे नहीं होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इन विच एरिया इज चमेली हाउस। चमेली का हाउस कहाँ है? चमेली हाउस इज मनाली विच इज अ हिली एरिया। चमेली का हाउस कहाँ है? मनाली में, जो एक हिली एरिया है। व्हाट इज द सिमिलरिटी इन द रूफ ऑफ चमेली एंड वुपेन हाउस। क्या सिमिलरिटी है दोनों के हाउसों की? जो उनके रूफ हैं उनके सिमिलरिटी है कि वो स्लैंटिंग रूफ्स हैं, क्योंकि जहाँ पर भूपेन रहता है वहाँ भी बारिश होती है बहुत ज़्यादा, और जहाँ पर चमेली रहती है वहाँ भी बहुत अधिक बारिश होती है। इसलिए जो दोनों के घरों की छत स्लैंटिंग है ताकि जो बारिश का पानी है वो आसानी से बह जाए। नेक्स्ट बारी है मल्टी एन मिताली एंड अनुज सेट। अब मिताली और अनुज कहते हैं, मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली। जो मिताली और अनुज हैं वो दिल्ली से आए हैं। दे शोड पिक्चर ऑफ दिल्ली टू एवरीवन। उन्होंने जो है प्रत्येक को दिल्ली की पिक्चर दिखाई। इन वन पिक्चर्स सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स भूपेन सेट ओ सच टेल हाउसेस हाउ डू यू क्लाइम अप। तो इस यहाँ पर जो है बहुत बहुत ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई गई हैं। भूपेन ने कहा कि आप इन घरों पर कैसे चढ़ सकते हैं। तो बच्चों, इन घरों पर चढ़ने के लिए जो है लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। लिफ्ट का बटन दबाते ही लिफ्ट ऊपर को जाती है और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाती है, और लिफ्ट का बटन दबाकर ही नीचे भी आते हैं। ठीक है, हाउ डू पीपल्स गो ऑफ इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। इनको कहते हैं बच्चों मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। ठीक है, हाई राइज बिल्डिंग भी बोला जाता है इन्हें, जिन पर बहुत ज़्यादा मंजिलें होती हैं, 8, 10, 15, 20 मंजिलें होती हैं। तो इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए जो है कैसी व्यवस्था होती है? पीपल यूज लिफ्ट टू ऑफ इन अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है इन प्रकार के घरों में रहने, ऊपर चढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज का चैप्टर हम यहीं पे एंड करते हैं, और इससे नेक्स्ट जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।